हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और ये देखो, कहीं अरेस्ट तो कहीं किसी की जिंदगी को छीन लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस रिस्क के बावजूद, इस जॉब के बढ़ते हुए नंबर के पीछे इन डिलीवरी एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है? वेल, अगर आपको लग रहा है कि इनकी कमाई बहुत ही मोटी होती होगी तो आप गलत हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी एम्प्लॉयज को जोमैटो और स्विगी जैसे कंपनीज में ऑर्डर कंप्लीट होने पर ऑर्डर सिर्फ 20 से 30 रुपए ही मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी इंडिया में आज 10 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी एम्प्लॉयज है, जिनमें से 67,900 तो महिलाएं हैं। और अगले 3 से 4 साल में ये सेक्टर 80 लाख से 240 लाख इंसानों का हो जाएगा। तो जरा सोचो, जान का जोखिम, कम सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी और नो करियर ग्रोथ एंड लर्निंग के बावजूद कंपनीज इन्हें ऐसा कौन सा लालच देती है कि ये खुद को जॉब करने से भी नहीं रोक पाते। और जोमैटो स्विगी के अलावा ओयो, पेटीएम और SBI जैसी कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को IPO के शेयर देती है, तो क्या IPO को खरीदना डिलीवरी राइडर्स जैसे लोगों के नसीब में है? और क्या डिलीवरी राइडर्स को दूसरे जॉब की तरह इस जॉब में उनके कंपनीज को एडिशनल बेनिफिट देते हैं? वेल, इन सभी सवालों का जवाब और डिलीवरी बॉयज की सैलरी को जानेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ मच डू डिलीवरी बॉयज अर्न इन इंडिया। अब डिलीवरी बॉयज की सैलरीज के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, यानी उनकी शुरुआत और उनके बढ़ते डिमांड के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हाल फिलहाल में ही इतने बड़े लेवल पर उमड़ आया है। तो इंडिया में शॉपिंग के लिए सबसे पहली वेबसाइट fabmart.com 1999 में लॉन्च हुई थी, जिसके फाउंडर के वेथेश्वरन को फादर ऑफ इंडियाज ई कॉमर्स भी कहा जाता है। पर क्योंकि 1999 के उस दौर में इंटरनेट और मोबाइल फोन इतने फेमस नहीं थे, इसीलिए फैबमार्ट जल्द ही फेल हो गया। और इंटरनेट के फेमस होने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई कॉमर्स कंपनीज के फेमस होने से fabmart.com का नाम मार्केट से मानो गायब ही हो गया। वहीं से सारी कंपनीज में कंपटीशन बढ़ा और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चालू है आज तक, जिसकी वजह से डिलीवरी सिस्टम में भी डेवलपमेंट आया, बिकॉज डिलीवरी वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। और फिर डिलीवरी के इन कंपनीज ने बड़ी तादाद में लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, और आज डिलीवरीज का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑनलाइन खाना मंगाने का ट्रेंड भी चल गया है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। लेकिन जोमैटो और उसके जैसे बाकी के एप्स से पहले 90s के वक्त डब्बा वाला डिलीवरी सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जहां बिना एप्स की टेक्नोलॉजीज यूज किए वो घरों से टिफिन लेकर सही ऑफिसेस में सही इंसानों को टिफिन पहुंचाते थे, और ऐसा वो अपने बनाए कलर कोडिंग सिस्टम के इस्तेमाल से आसानी से कर पाते थे। मगर वो तो सिर्फ टिफिन की डिलीवरी किया करते थे, और अगर उस वक्त किसी को रेस्टोरेंट का खाना खाना होता तो उसे खुद रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। और हालांकि कुछ रेस्टोरेंट डिलीवरी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते थे, पर तब सभी रेस्टोरेंट्स का अपना पर्सनल डिलीवरी बॉय होता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, लोग ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करने लगे और डिलीवरी बॉयज ने रेस्टोरेंट्स की जगह ऑनलाइन कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से सारी कंपनीज अपने हिसाब से डिलीवरी बॉयज के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने लगी। पर इन रूल्स और रेगुलेशंस की बात हम नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इनकी सैलरीज की बात। मैं ये सब आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा था ताकि आपको पता चले कि कैसे कंपनीज ने पावर गेन करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज ने यह मार्केट क्रिएट किया और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिक्टेट करने लगे। अब फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, रश इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप मेड विद लॉट्स ऑफ लव, मेड विद लव इन इंडिया बाय हाइक। बाकी ऐप जैसा नहीं है, अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और गेम प्ले एक्सपीरियंस। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे 4.2 की रेटिंग। रश आपको वैरायटी ऑफ गेम्स लाइक स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, क्विजी और बंपर बैटल, और रश की VIP मेंबरशिप देता है, सुपर सेवर मेंबरशिप। एक ही ऐसा ऑफर है जो पूरे इंडिया में सिर्फ रश के पास है। यहाँ पर आपको सबसे कम एंट्री फी मिलेगा हर गेम पर, क्योंकि VIP कोई भी प्लेटफॉर्म का कमीशन थोड़ी ना भरते हैं। यहाँ पर आपको हाईएस्ट विनिंग्स है, हाईएस्ट विड्रॉवल्स है, स्पेशल VIP ओनली एक्सक्लूसिव ऑफर्स जैसे कि कैशबैक ऑफर, VIP ओनली टेबल्स और बहुत बहुत कुछ। स्मार्ट खेलो, कम पैसे लगा के ज्यादा जीतो, यही फंडा है रश का। लॉगिन करने पे फ्री ₹50 का साइन अप बोनस मिलेगा आपको। इसे यूज करो और गेम्स खेलो, पैसे जीतो और विड्रॉ करो। विड्रॉवल भी एकदम आसान है, यू कैन इजीली विड्रॉ अमाउंट यूजिंग UPI अकाउंट। मस्त है ना? सो दोस्तों को भी बुलाओ और अर्न करो अप टू ₹30,000 रेफर एंड अर्न से। What are you waiting for? Description में दिया गया है लिंक, क्लिक करो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ।
एंड टॉकिंग अबाउट सैलरीज, तो सैलरीज हर कंपनीज में सेम जॉब के लिए अलग अलग होती है, पर अगर एम्बिशन बॉक्स जो की कंपनी रिव्यू साइट है उसकी अगर माने तो डिलीवरी बॉय की एवरेज ईयरली सैलरी 1.5 लाख रुपीज है, यानी मंथली सैलरी लगभग 12,500। अब हमने एवरेज सैलरी तो जान ली, मगर अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सैलरीज मिलती है और कई जगहों पर उन्हें ऊपर से बोनस और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 3.5 इंसेंटिव लगा। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि किस किस आधार पर हमारे डिलीवरी बॉयज को उनकी सैलरीज दी जाती है, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड Amazon और Flipkart के पैकेज डिलीवरी राइडर्स, क्योंकि इनका प्रोसेस हमारे फूड डिलीवरी के बंदों से थोड़ा डिफरेंट होता है। जहां Flipkart में सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग होती है, वहीं Amazon Flex से लोग अपने ब्लॉक्ड किए हुए टाइम स्लॉट के हिसाब से जाते हैं, जो 2, 4 या 6 घंटे का होता है। अगर सैलरी की बात करें तो Flipkart में डिलीवरी राइडर्स को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फिक्स्ड सैलरी जिसमें 10 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, और दूसरी पर पैकेज पेमेंट, जहां हर पैकेज में एरिया के हिसाब से 14 से 25 रुपए मिलते हैं और दिन में एक राइडर कम से कम 40 पैकेज डिलीवरी करता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो दिन का 500 से 1000 रुपए वो कमा सकता है और मंथली आप 20,000 से 30,000 कमा लेते हो। वहीं अगर Amazon Flex की बात करें तो यहां आप पर घंटे के हिसाब से 120 से 140 रुपए कमाते हो, जिसे कैलकुलेट करने पे अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट 140 रुपए पे करते हो तो आपकी मंथली सैलरी हो गई 33,600। अब ये तो थे ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी बॉयज की बात, अब आते हैं फूड डिलीवरी पर और जानते हैं उनको अपने पैकेज डिलीवरी पर कितने पैसे मिलते हैं। तो भाई लोग, अब सबसे बड़ा झटका ना आपको ये सुनकर लगेगा कि जोमैटो और स्विगी में पैसे कमाने से पहले राइडर को कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, जिसके रिटर्न में उनको थोड़ी ट्रेनिंग के साथ फूड डिलीवरी बैग और 2 टी-शर्ट्स मिलते हैं। इतना बड़ा बैग आपको मिलेगा, ये है जोमैटो का बैग और इसके साथ 2 टी-शर्ट, जिसे कंपनी को छोड़ने के बाद रिफंड कर दिया जाता है। पर जहां जोमैटो ₹2,000 फीस लेता है, वहीं स्विगी सिर्फ ₹400 लेता है। खैर, ये तो थी डिलीवरी बॉयज की फीस की बात, पर अब अगर मैं सैलरी की बात करूं तो दोनों ही जगह पर आपको पर ऑर्डर ₹20 से ₹60 मिलते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाने के बाद आपको हर बढ़ते अमाउंट पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू भी आपके कमाए हुए अमाउंट के साथ बढ़ती है। तो अगर आप फुल डे के लिए 11 से 12 घंटे काम करते हो तो आपको 15 से 20 ऑर्डर्स मिलेंगे, और अगर एवरेज पकड़ के कैलकुलेशन किया जाए तो ₹50 के 17 ऑर्डर्स दिन में, इसका मतलब आपकी कमाई ₹850, जिसका मंथली टोटल होता है ₹25,500। पर अगर आप दिन के ₹120 के इंसेंटिव्स को भी जोड़ते हो तो 3,600 प्लस 25,500 इज इक्वल टू 29,100, जो कि आप महीने में हाई परफॉर्मेंस रखकर कमा सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ सैलरी और इंसेंटिव की बात, इसके अलावा डिलीवरी राइडर्स को पी कार्स, वीकेंड्स, फेस्टिवल्स और बारिश में अलग अलग इंसेंटिव्स और बोनसेस भी मिलते हैं। पर स्विगी में अगर इंसेंटिव एक्टिवेट करने के बाद कोई राइडर किसी कारण टाइम से पहले लॉग ऑफ कर देता है तो उसके पूरे दिन की इंसेंटिव्स को काट दिया जाता है, और वहीं जोमैटो में ऐसा करने पर डिलीवरी बॉय को सिर्फ पहले ऑर्डर वाली इंसेंटिव दी जाती है और उसके बाद आने वाली सारी इंसेंटिव्स को कट कर दिया जाता है। और जहां पर जोमैटो 5 किलोमीटर से आगे की लोकेशन के लिए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा 5 रुपीज देता है, वहीं पर स्विगी 5 किलोमीटर पर ₹5 देता है। लेकिन 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 इन सारी डिलीवरी जॉब्स में पेट्रोल और व्हीकल की मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, मिल रही सैलरी में उनका कॉस्ट इंक्लूड होता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो ऐसे डिलीवरी जॉब्स में ज्यादा काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं, और अगर आप बहुत ही मेहनती इंसान होने के साथ साथ लकी भी हो कि आपके 2-व्हीलर के खर्चे नहीं निकल रहे, तो आप भी डिलीवरी करने वाले अंबुर अय्यप्पा की तरह मिलियनेयर बन सकते हो, जिनका सफर फर्स्ट फ्लाइट कुरियर में एक डिलीवरी बॉय से मेल लॉजिस्टिक्स के हेड बनने तक, और फिर फ्लिपकार्ट के फर्स्ट एम्प्लॉय के तौर पर 8,000 कमाने से एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट में काम कर रहे 6 लाख रुपए कमाने तक पहुंचा। इनकी स्टोरी से तो यही प्रूव हो जाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बट जैसे कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही डिलीवरी जॉब्स में भी उसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं। सो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या है। तो इस तरह के जॉब्स में सबसे पहला जो फायदा होता है ना, इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, यानी अपने हिसाब से सिर्फ पार्ट टाइम या फुल टाइम ही नहीं पर टाइमिंग्स का ऑपरेशन भी आप चुन सकते हो, और फूड डिलीवरी के मामले में तो आपको रोज जॉब करने की भी जरूरत नहीं होती। दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो, अपने टाइम से अपने हिसाब से आपको काम करना होता है, आपके ऊपर आपको
बेसिकली कोई बोलने वाला नहीं है कि इस समय पे आओ या उस समय पे आओ। तीसरा फायदा यह है कि ये काम एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आपको मदद करता है और स्टूडेंट्स भी बिना पढ़ाई का नुकसान किए इससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक आज के जवान ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए स्विगी में काम करते हैं। और चौथी और सबसे अच्छी बात यह है इस जॉब की कि आप 12th या सिर्फ 10th पास होने के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भारी भरकम डिग्री नहीं लगती आपको। पर इतने फायदों के बाद अब बारी आती है कि मैं आपको डिलीवरी जॉब्स के नुकसान के बारे में भी बताऊं, और इसमें सबसे पहले नाम आता है जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि ऐसे जॉब्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं होता जिससे कि आपके एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो। नुकसान नंबर 2 और बहुत ही बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से वो ये है कि इस जॉब में आपको कोई स्किल सीखने नहीं मिल रहा और ना ही इस जॉब के एक्सपीरियंस की किसी दूसरे जॉब में कोई वैल्यू है। नुकसान नंबर 3, यहाँ आपको जॉब ग्रोथ और पोजीशन में प्रमोशन नहीं मिलता, यानी करियर और फाइनेंशियली भी आपका ज्यादा ग्रोथ का स्कोप नहीं है। और जहां इनकम की बात आती है तो इस जॉब में आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आप कभी ज्यादा कमा सकते हो जिस मंथ आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट देन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो आप उसके नेक्स्ट मोमेंट बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं कमा रहे हो। नुकसान नंबर 4, इस जॉब में आपको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है जिसमें कई प्रकार के रिस्क भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी साल का बेंगलुरु का केस देख लो, जहां पर एक जोमैटो ड्राइवर पर एसॉल्ट का आरोप लगा और महिला ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, जिस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं हुआ है और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा और इसी के चलते केस बंद करने की बात चल रही है। So it was an unnecessary female harassment on a normal delivery guy. वहीं delivery से related एक और एक केस 2018 में सामने आया था, जब late order की delivery मिलने पर दिल्ली की एक महिला ने delivery boy को 20 बार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। पर डिलीवरी बॉय सिर्फ आम जनता से ही नहीं बल्कि पुलिस से भी परेशान है, क्योंकि जहां लॉकडाउन के वक्त बाहर नहीं निकल पाने पर लोग घर पर ही खाना मंगा रहे थे, वहीं उसके चक्कर में अपना काम पूरा करने पे डिलीवरी बॉयज पुलिस के डंडे खा रहे थे। लेकिन डिलीवरी बॉयज की कठिनाइयों की लिस्ट यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहर से दिखने पर बहुत अच्छी दिखती है और अपने डिलीवरी पार्टनर्स के देखभाल करने का दावा करती सारी कंपनीज की हकीकत असल में कुछ और ही है। जैसे पैंडेमिक में जब लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब स्विगी ने डिलीवरी बॉयज की 7 महीने में 2 बार पे कट की थी, जिस पर प्रोटेस्ट करने पे स्विगी ने उनके आईडीज सस्पेंड कर दिए, यानी उनको फायर करने की धमकी भी दे दी थी। और ऐसे ही सेम जोमैटो ने डिलीवरी बॉयज को दी जाने वाली उनके हक के इंसेंटिव्स को काटा था, जिसकी वजह से बाकी का अमाउंट कवर करने के लिए राइडर्स को एक्स्ट्रा घंटे काम करने पड़ रहे थे, जिससे जूझते हुए ये बेचारे स्ट्राइक तो कर रहे थे पर इसका फायदा ज्यादा नहीं हो रहा था और ये बेचारे ट्विटर पर जाकर अपनी आवाज इन कंपनीज के खिलाफ उठा रहे थे। ये सारी चीजें देखकर हमें तो ये पता चलता है कि भले ही डिलीवरी की जॉब एक्स्ट्रा कमाई और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, बट यहाँ पर राइडर्स को कमाई करने के लिए 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है एंड उनके किए हुए काम में कंपनी उनको मोबाइल का डेटा या इवन पेट्रोल के पैसे तक नहीं देती। यही नहीं, गाड़ी और मोबाइल खराब होने पर भी कंपनी उन्हें कुछ पैसे नहीं देती इसे फिक्स करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या गवर्नमेंट को राइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रूल्स निकालने चाहिए जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके? आफ्टर ऑल वो डेली ड्राइविंग करके रास्ते पर इतने एक्सीडेंट्स के खतरे होते हैं, वो सब झेल कर खाना हम तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनका घर चल सके। और जान जाने के रिस्क के बावजूद भी काम करने पर क्या डिलीवरी राइडर्स को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए या कंपनी जितनी देती है उतनी जस्टिफाइबल है? इस पर आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करना इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी को पता चले उन राइडर्स की कंडीशन जो आपके लिए स्विगी और जोमैटो में खाना लाते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए गेट सर्टिफाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।